हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के इकोलॉजी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह न्यूमेरिकल एनटीए दिसंबर 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देख लेते हैं क्वेश्चन जो एनटीए 2019 दिसंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू डबल इफ इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 4% पर ईयर। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने साल लगेंगे एक कंट्री को उसकी पॉपुलेशन को डबल होने में, और हमें दिया है उसका ग्रोथ रेट जो कि 4% है। हम इस पर चार ऑप्शन दिए हैं, 17.8, 13.8, 16, 26। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है दोस्तों, वो है रूल ऑफ 70। तो बेसिकली रूल ऑफ 70 एस्टिमेट्स द नंबर ऑफ इयर्स इट टेक्स फॉर अ सर्टेन वेरिएबल टू डबल विद अ कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट। दोस्तों, इसमें हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है दैट इज आर शुड बी कॉन्स्टेंट, तभी हम रूल ऑफ 70 अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा सर्टेन वेरिएबल है, हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा सर्टेन वेरिएबल है पॉपुलेशन। तो हम नंबर ऑफ इयर्स फाइंड आउट करेंगे एक कंट्री के पॉपुलेशन को डबल होने में जो लगेंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ इयर्स टू डबल that is TD in years equal to 70 divided by R, that is annual percentage growth rate in R. तो हमें R given है, R हमें given है 4, और हमें formula already given है, that is 70 divided by 4. तो हमारा जो 17.5 है दोस्तों, वो हमारा answer आ जाएगा, that is nearly equal to 17.8. तो हमारा option 1 is the correct answer. तो option 1 इसमें हमारा correct answer है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बताएं, और अगर इस वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिखें, ताकि हम आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।